नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्सिटी चैनल पे। और फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे क्षैतिज आरक्षण फंसी शिक्षक भर्ती के बारे में। वहीं दोस्तों अगर बात करें बेरोजगारों के ताली और थाली बजाने पर यूपी में लगभग 225 युवाओं पर FIR दर्ज हुई है। साथ में मामला दोस्तों यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ, SSP पर भी दोस्तों कार्रवाई आपको देखने के लिए मिली है। तो ऐसे में जैसा कि आप सभी को बताया कि बेरोजगार लगातार परेशान हैं, डिजिटल स्ट्राइक कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और लगातार यूट्यूब चैनलों के माध्यम से, जैसे कि ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी और साथ में सभी की तरफ से लगातार जो आवाज़ें वो उठाई जा रही हैं। लेकिन ऐसे में जैसा कि आप सभी ने देखा कि अभ्यर्थी तरफ से ताली और थाली बजाई गई, जिसको लेकर यहाँ पर दोस्तों विवाद हुआ है, उसी को लेकर इस वीडियो में हम बात करेंगे। आज भी आप सभी को बताएं रात को 9:09 के लिए। साथ में अगर बात करें स्कूल खुलने के लिए दोस्तों, यहाँ पे एक तरीके से गाइडलाइन जारी हो गई है। और साथ में अगर बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर, इनको दोस्तों EWS आरक्षण का जो लाभ है वो नहीं दिया जाएगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और नए शिक्षकों की मांग दोस्तों सरकारी स्कूलों में बढ़ेगी, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बन में बन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा जानकारी के आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि युवाओं की तरफ से हल्ला वो लगातार जारी है, वह चाहते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती या फिर अगर बात करें सरकारी नौकरियों पर बात करें, जिस प्रकार भर्तियां निकलती हैं, निकलने के बाद में रुक जाती हैं, उनको पूरा कराने के लिए एक्शन ले, लेकिन ऐसा होता हुआ बहुत ही कम दिखाई देता है। लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से प्रधानमंत्री कहीं या फिर केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के किसी भी दोस्तों अगर बात करें मंत्री की तरफ से लाइव कॉन्फ्रेंस भी होती है, तो वहां जाकर भी अभ्यर्थी अपनी शिकायतों को करते हुए दिखाई देते हैं और डिसलाइक के माध्यम से विरोध भी करते हैं, लेकिन उनको इस प्रकार दोस्तों अगर बात करें सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ताली और थाली बजाकर दोस्तों यहाँ पे रोजगार की जो मांग है वो की गई थी, सरकार का विरोध किया गया। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे जो कार्रवाई है वो देखने के लिए मिली है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख पाए बेरोजगार की थाली और साथ में दोस्तों अगर बात की निलंबन की जो वजह वो देखने के लिए मिली है। मतलब बताना चाहूँगा यहाँ पर दोस्तों SSP को निलंबन किया गया है। अब उसका जो सबसे बड़ा रीज़न बताया जा रहा है वो ये है कि ताली और थाली की वजह से ऐसा देखने के लिए मिला है। कारण दोस्तों आप सभी यहाँ पर देखेंगे 25 युवाओं पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जो कि आप सभी को मैंने बताया था। प्रयागराज के अंदर दोस्तों आप सभी देख पा रहे हैं जॉर्ज टाउन दोस्तों थाने में दर्ज इस केस में आरोप लगाया गया था कि युवा मंच के बैनर तले लगभग 225 युवाओं ने सिर्फ COVID-19 संबंधी दिशा निर्देश ही नहीं बल्कि दोस्तों अगर बात करें धारा 144 का भी उल्लंघन किया है, जिसके बाद उन पर दोस्तों धारा 144 के उल्लंघन के साथ ही महामारी एक्ट के तहत दोस्तों मुकदमा भी किया गया है, जो कि दोस्तों आप सभी देख पाए। मामला क्या है, मामला दोस्तों आप सभी को पता है, यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख पा रहे हैं कि SSP अभिषेक दीक्षित पर कार्रवाई की जो मुख्य वजह भाई दोस्तों भ्रष्टाचार बताई जा रही, लेकिन माना जा रहा है कि 5 सितंबर को हुआ बेरोजगारों का प्रदर्शन भी शासन की नाराजगी का दोस्तों एक बड़ी वजह यहाँ देखने के लिए मिली है। इस दिन हजारों हुजूम ने दोस्तों अगर बात करें कर्नलगंज थाने में दोस्तों यहाँ पे आप सभी देखा था कि मैंने भी आपको वीडियोस के माध्यम से दिखाया था, बहुत सारे अभ्यर्थी पहुँचे थे, लेकिन उस समय पे हमारे देश की मीडिया की तरफ से इसको लेकर कोई टिप्पणी नहीं की गई, मतलब दोस्तों इस रिपोर्ट को कवर नहीं किया गया था। तो ऐसे में थाली चम्मच पीटकर बेरोजगारी के खिलाफ दोस्तों प्रदर्शन किया था। पूर्व में जानकारी होने के बावजूद पुलिस अफसर ने प्रदर्शनकारियों को रोकने में नाकाम रहे, उसी को लेकर दोस्तों यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। और साथ में युवाओं की तरफ से दोस्तों अगर बात करें शहर के दोस्तों कुछ जगहों पर चक्कर लगाकर दोस्तों लगातार अगर पैदल यात्रा भी कवर की गई उनकी तरफ से, तो ऐसे में दोस्तों उनकी तरफ से यहाँ पे दोस्तों आपको देखने के लिए मिला। दरअसल इस अभियान को सफल बनाने के लिए कई दिन पहले तैयारी शुरू कर दी गई थी, जिसके तहत सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर रोजाना मैसेज को लेकर दोस्तों युवाओं में बड़ी संख्या में इस अभियान में शामिल होने की अपील की जा रही थी। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताई है, फिलहाल आज की तारीख के अंदर भी आपको ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो जैसा कि मैं आप सभी को बताया कि अभ्यर्थी तो आपसे विरोध किया जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं COVID-19 को दोस्तों आप सभी ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दोस्तों इन नियमों का ध्यान रखें। हालांकि आप सभी को बताया कि लगातार ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, अभ्यर्थी सालों से परेशान हैं, बीच में कोरोना वायरस आ जाने की वजह से उनकी भर्तियों और भी ज़्यादा स्लो हो गई हैं और काफ़ी भर्तियों को तो आयोग भूल भी गए। तो उन सभी चीज़ों को दोस्तों याद करवाने के लिए, सरकार को बताने के लिए कि बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है, भर्ती परीक्षा अपने समय पर नहीं हो पा रही है, इसलिए ताली और थाली बजाकर विरोध किया गया था, जिसके संदर्भ में दोस्तों आपको देखने के लिए मिला है कि 25 युवाओं पर FIR के साथ SSP को दोस्तों यहाँ निलंबन भी किया गया है।
वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको पता है कि आज रात 9 बजे 9 मिनट के लिए 9 बजे दोस्तों अगर बात करें आपको सारे घरों की लाइट बुझा कर मतलब अपने घर की लाइट बुझानी है और साथ में दोस्तों दिया और दीपक जलाकर टॉर्च जलाकर के दोस्तों यहां पर सरकार को दिखाना है। ऐसे में आप लोग भी दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर लें। हालाँकि दोस्तों अगर बात करें युवाओं के खिलाफ जिस प्रकार दोस्तों FIR की गई है इसको दोस्तों नहीं करना। क्षैतिज आरक्षण में फंसी 3900 शिक्षक भर्ती, जैसा कि दोस्तों आपको बताएं काफ़ी लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार किया जा रहा है लेकिन क्यों नहीं आ रही है आप सभी को पता ही है। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के नया विज्ञापन जारी होने से पहले क्षैतिज आरक्षण की फेर में फंस गई है। मंगलवार को चरकाइयों के संघर्ष मोर्चा ने छात्रों के दोस्तों उच्च शिक्षा निदेशालय के सामने प्रदर्शन किया। उच्च शिक्षा निदेशक दोस्तों अगर बात करें वंदना शर्मा ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि उन्होंने क्षैतिज आरक्षण संबंध में शासन को पत्र भेजकर दिशा निर्देश मांगे हैं। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद दोस्तों आरक्षण को निर्धारण करते हुए जो भर्ती के पदों के दोस्तों अध्याचन उत्तर प्रदेश की शिक्षा सेवा चयन आयोग को दोस्तों भेजे जाएंगे और उसके बाद जो चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी मतलब स्पष्ट तौर पर इसमें भी दोस्तों जो गलतियां हैं वो अधिकारियों की ही देखने के लिए मिली हैं, जिसकी वजह से दोस्तों जो 3900 शिक्षक भर्ती अभी तक लटकी हुई है। अभी तो विज्ञापन भी नहीं आया था, उससे पहले दोस्तों क्षैतिज आरक्षण को लेकर यहाँ जो विवाद है वो हो गया, उसी क्रम में दोस्तों आपको जो चीज़ें हैं वो देखने के लिए मिल रही हैं। और ऐसा हर भर्ती के अंदर देखने के लिए मिलता है, अधिकारी दोस्तों कहीं ना कहीं एक छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ जो मामले हैं पहले से लटक जाते हैं। ये दोस्तों बात जो थी शिक्षक भर्ती के संबंध में। वहीं दोस्तों बात करें स्कूलों के लिए दोस्तों यहाँ पर जो गाइडलाइन है वो जारी हुई है। केंद्र सरकार ने दोस्तों यहाँ SOP जारी कर दी गई है जिसके अंदर तमाम दोस्तों शर्तें रखी गई हैं। 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षा के छात्रों के लिए दोस्तों यहाँ जारी हुई हैं। स्कूलों में बनानी होगी 6 फुट की दूरी, नहीं शेयर कर सकेंगे दोस्तों कॉपी किताबें जैसा कि हम पहले बचपन में किया करते थे, तो ऐसा दोस्तों फिलहाल यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी चीज़ों का दोस्तों यहाँ पर जो ध्यान है वो रखा जाएगा। हालाँकि आप सभी को बताएं स्कूल खोलने की दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ा विरोध भी देखने के लिए मिल रहा था लेकिन फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो निर्णय है वो लिया गया है जिसमें 21 सितंबर से 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं के छात्रों को स्कूल जाने की इजाज़त मिल गई है। हालांकि इसके लिए दोस्तों कड़े नियम भी तय किए गए हैं। इनमें सबसे अहम ये होगा कि छात्रों के स्कूल जाने की अभिभावकों की दोस्तों लिखित सहमति लेनी होगी, अगर वो नहीं देंगे तो ऐसे में स्कूल नहीं भेजा जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जैसा कि आप सभी को पता है SOP जारी की गई, मुताबिक दोस्तों स्कूलों की हर कक्षा के लिए अलग अलग समय तय करना होगा। साथ ही शिक्षकों को दोस्तों छात्रों साथ में स्कूलों के अपने स्टाफ के बीच में कम से कम 6 फुट की दूरी सुनिश्चित करनी पड़ेगी, जिसके लिए ज़मीन पर दोस्तों मार्किंग के साथ साथ अगर बात करें बार बार हाथ धोने के लिए मास्क को पहनने के लिए मतलब तमाम चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। फिलहाल दोस्तों जो गाइडलाइन है वो जारी हो गई है। 21 सितंबर से 9वीं और 12वीं के स्कूल खोले जाएंगे। अब स्कूल खोले जाने पर दोस्तों क्या रिस्पॉन्स मिलेगा यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि आप सभी को बताएं पूरा सेशन खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की बात करें या फिर दोस्तों अगर बात करें महाविद्यालयों की। वहीं दोस्तों अगर बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, प्रदेश के अंदर शिक्षकों की दोस्तों जो मांग है वो तेज होने वाली है। रीज़न क्या है आप सभी को बताना चाहूँगा। सरकारी स्कूलों के अच्छे दिन आए हैं, क्यों आए आप सभी को बताएं, कोरोना की वजह से अभ्यर्थियों की दोस्तों जो माता पिता हैं उनके पास धन की कमी हुई है। जैसा कि आप सभी को बताएं जो मिडिल क्लास थे वो काफ़ी ज़्यादा लो हो गए, जिसने आपको बताया 45 दिन का लॉकडाउन हुआ। फिलहाल कोरोना की वजह से आप सभी को बताएं सबके घर में तंगी का जो माहौल है बना हुआ है, तो ऐसे में दोस्तों कोरोना काल में लोगों की अगर बात करें आर्थिक संकट आ गया है, वह दोस्तों खर्च में कटौती करने लगे हैं। इसका असर भी दोस्तों यहाँ पर दिखने लगा है। कई लोगों ने अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों से निकाल कर सरकारी स्कूलों में दाखिला दिला रहे हैं। ऐसे में सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी है। इसमें दोस्तों जिन स्कूलों की अगर बात करें अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं चल रही हैं और स्मार्ट क्लास की दोस्तों व्यवस्था है, वहां ज़्यादा दोस्तों अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया है। तो ऐसे में दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि सरकारी स्कूलों में दाखिले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो हमारी सरकार है जैसा कि इससे पहले मैंने बताया था हाईकोर्ट का एक आदेश भी आया था कि आपके पास शिक्षकों ज़्यादा होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले आप शिक्षकों का डाटा मांगें कि अभ्यर्थी कितने हैं उसके अनुसार आप लोग शिक्षक भर्ती करेंगे, तो बिल्कुल भी सही नहीं है। पहले आपके पास पर्याप्त मात्रा में शिक्षक होने चाहिए जिससे कि आगामी समय के अंदर सडनली अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जाती है तो शिक्षकों
बच्चों की यहाँ पर जो कमी है वो देखने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन कोरोना की वजह से यहाँ पर दोस्तों अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ रही है, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है, तो ऐसे में दोस्तों नए शिक्षकों की कमी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। जैसा कि आप सभी को पता है प्रदेश के अंदर लाखों की संख्या के अंदर जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। अगर अपने समय में भर दिए जाते हैं 69,000 LTGate TGT PGT इनको समय में नियुक्ति मिल जाए तो और भी दोस्तों अच्छी खबरें आप सभी को देखने के लिए मिल सकती हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर भी देख पाए, अगर पिछले वर्ष की दोस्तों बात करें 4,336 थी जिसमें बढ़कर के 4,546 हो गए हैं। ऐसे में आप सभी को पता है फिलहाल दोस्तों जो कॉलेज खुलेंगे स्कूल खुलेंगे तो और भी बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। पिछले वर्ष दोस्तों यहाँ पे आप देख पाए अगर बात करें 1,063 विद्यार्थी थे जहाँ पर लगभग 1,300 हो गए हैं, तो ऐसे में छात्र अनुपात बढ़ेगा तो यहाँ पर शिक्षकों की दोस्तों कमियाँ तो देखने के लिए मिलेंगी। वहीं दोस्तों अगर बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, उत्तर प्रदेश के अंदर दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी को यूपी में दोस्तों नहीं मिलेगा आर्थिक आरक्षण। प्रदेश सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण संबंधित अधिनियम की दोस्तों यहां व्यवस्था की है। सरकारी सेवाओं में अगर बात करें आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ प्रदेश के बाहरी अभ्यर्थी नहीं पा सकेंगे। प्रदेश सरकार ने यूपी लोक सेवा आयोग जैसा कि दोस्तों आप अधिनियम 2020 में यह प्रावधान कर दिया है। अपर मुख्य सचिव की नियुक्ति एवं दोस्तों कर्मी मुगल सिंगल शासन के समस्त अपर मुख्य सचिवों के प्रमुख सचिवों साथ में सचिवों के अधिनियम की प्रति भेजते हुए कार्रवाई कराने का निर्देश दिया है। प्रदेश की योगी सरकार ने 1 फरवरी 2019 को सरकारी सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण देने की जो व्यवस्था है वो की गई थी। अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि यूपी के बाहरी अभ्यर्थी को आरक्षण की सुविधा का दोस्तों जो पात्र नहीं होंगे। इसी तरह अधिनियम दोस्तों अगर बात के व्यवस्था में अधिनियम के अंदर व्यवस्था भी की गई है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो कोई भी व्यक्ति योग्यता के आधार पर किसी खुली प्रतियोगिता में अनारक्षित अभ्यर्थी के साथ दोस्तों चयनित किया जाता है तो इसी पर दोस्तों आर्थिक आधार पर तय किया जाएगा। मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग कोई भी बाहरी अभ्यर्थी हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको एज ए जनरल ट्रीट किया जाएगा। आप जनरल के अंदर भी आप सभी को बताना चाहेंगे जो आर्थिक रूप से आरक्षण मिलता है उसका लाभ दोस्तों आप सभी को नहीं मिलेगा। मतलब दोस्तों आप सुपर जनरल को ट्रीट किए जाएंगे जैसा कि बाहरी राज्यों के अंदर किए जाते हैं। ये थी दोस्तों तमाम लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।